नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। भाई देखिए, वीआई में दुबई में चेक का सिस्टम ज़्यादा चलता है। जो लोग लेन देन करते हैं चेक के माध्यम से, चाहे आप चेक ले रहे हैं, चाहे आप चेक दे रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कहने का मतलब शॉर्ट तरीके से चेक से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर मान लीजिए चेक बाउंस हो जाता है, चाहे आपका हो जाए या किसी थर्ड पार्टी का हो जाए, तो क्या उसके ऊपर क्या करें आप, क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप मान लीजिए दुबई में रह रहे हैं, आप चेक ले रखा है शारजा का और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो आपको केस मुकदमा कहाँ करना चाहिए उसका, शारजा में जाके करेंगे या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ करेंगे, या फिर आपने मान लीजिए जिस बंदे से चेक लिया था 5 लाख 10 लाख दराम का, वो चेक बाउंस हो चुका है और आपको लगता है कि बंदा दुबई छोड़ के भागने वाला है, तो उसके ऊपर आप उसका ट्रेवल प्रतिबंध यानी स्टॉप कैसे करवा सकते हैं। जी हाँ, ताकि वो बंदा दुबई छोड़ के वीआई छोड़ के भाग न सके और आपके पैसों की रिकवरी हो जाए। जी हाँ, या फिर आपको लगता है कि यार चेक बाउंस हो गया, इसको समय और देना चाहिए, इस पूरे हम डिटेल से बात करेंगे कि इनका समाधान क्या है, कैसे आप उसको गिरफ्तार करवा सकते हैं, कैसे यात्रा प्रतिबंध करवा सकते हैं, क्या कहाँ आप केस कर सकते हैं, डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, दुबई का जो एक्ट बना हुआ है 1987 में, कानून नंबर 3 के अनुच्छेद 401 में, ये अपराध का मामला बनता है सीधा सीधा। इंडिया में इतना नहीं है, हालांकि इंडिया में भी अपराध है भाई, कोर्ट में केस होता है, इंडिया में होता है कोर्ट में केस और वीआई में होता है पुलिस स्टेशन में केस, और पुलिस स्टेशन जहां पुलिस के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है और उसको फिर तुरंत एक्शन में लिया जाता है। और वीआई में भाई चेक बाउंस करवाना अपराध की श्रेणी में आता है, कहीं पर भी किसी को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है जो ये अपराध करता है। जी हाँ, अब अपराध कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया, जो चेक उसके खाते में पैसा ही नहीं था और आपको चेक दे दिया, या समय पे उसने पैसे नहीं डलवाए, चेक बाउंस हो गया, या साइन गलत कर दिया, आपको चेक देते समय साइन गलत कर दिए तो वो चेक बाउंस, वो आप उसको भुना ना सके, अकाउंट बंद है, चेक बुक थी, चेक काट के दे दिया और आपको एक तरह से धोखा दिया, अकाउंट में बैलेंस नहीं, 420 करना, इस तरह की अगर कोई हरकत होती है तो उसके ऊपर आप सीधा पुलिस स्टेशन में मुकदमा करवा सकते हैं, पुलिस जांच में दोषी पाने पर उसको गिरफ्तार करके जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हाँ, अब दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप दुबई में रह रहे हैं, आपने जिस बंदे ने आपको चेक दिया वो शारजा में रहता है, तो आपको कन्फ्यूज थोड़ा हो सकता है कि यार ये मामला कहाँ का बनता है। दोनों जगह ऑप्शन है भाई, बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा इसमें कि आप जहाँ चेक क्लियर करवाने के लिए जिस बैंक में जाते हैं, जैसे शारजा का बंदे ने आपको चेक दिया, आप दुबई रह रहे हैं, दुबई के आप बड़ौदा बैंक में गए वहाँ पे या दूसरी बैंक में गए, वहाँ पे चेक डाला, चेक अनादृत हो गया यानी उसमें खाते में पैसा नहीं था, चेक बाउंस हो गया, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहीं पर मुकदमा करें, या फिर आप शारजा में जाके वो चेक लगवा दिए उसी बैंक में जहाँ पे चेक बाउंस हो गए, तो आप वो मुकदमा वहाँ पर भी कर सकते हैं। यानी दोनों ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन वो बेस्ट है जहाँ पे चेक बाउंस होता है, मुकदमा अच्छा वही हो है, आपको कानूनी कार्रवाई करने में इजी रहेगा आपके लिए। जी हाँ, 1992 का जो एक्ट है 32 बता दूं, जो कानून बना हुआ है उसका अनुच्छेद 142 में पूरा प्रावधान किया गया है कि इस तरह के मामलों में सीधा सीधा जो मुकदमा होता है वो आपराधिक मुकदमे का है, मुकदमा बनता है जो वैध तरीके से होता है। जी हाँ, अब साथियों बात कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने मुकदमा तो कर दिया लेकिन फिर भी लगता है कि ये बंदा दुबई छोड़ के वीआई छोड़ के भागने वाला है, आपका वो अगर दुबई वीआई छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, तो आपके पैसों का फिर कोई चांस नहीं है, पैसा नहीं आएगा, तो आप उसके ऊपर यात्रा प्रतिबंध लगा सकते हैं। जी हाँ, ट्रेवल आपका उनका स्टॉप करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, यात्रा प्रतिबंध के लिए बता दूं, दुबई का जो कानून बना हुआ है, बता दूं चेक बाउंस से रिलेटेड मैंने बताया, उसमें जो एक्ट है 401 उसके अनुसार चेक अनादृत आदमी दोषी तो है, नो डाउट, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उसके ऊपर वित्तीय दंड भी लगाया जा सकता है यानी जुर्माना भी लगाया सकता है। जुर्माने की बात करें तो जुर्माना 2000 से लेके 10,000 दुबई दराम के बीच हो सकता है और साथ में उसके ऊपर यात्रा प्रतिबंध भी पुलिस द्वारा लगाया जा सकता है। जी हाँ, पुलिस द्वारा यात्रा प्रतिबंध लगा लिया लेकिन वो हटा भी सकता है, कैसे हटाएगा, जैसे उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया, जैसे बात करें 2000 से 10,000 दराम के बीच में ये जुर्माना है, जो चेक का इसमें कोई लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा जुर्माना है, और ठीक है, तो ये जुर्माना जैसे ही वो जमा कराएगा तो उसका यात्रा प्रतिबंध हट सकता है, वो यात्रा के लिए जा सकता है। जी हाँ, अब इसके लिए भाई आपको चेक का पैसा आपको वसूली करना है, पैसा लेना है, तो आपको अदालत में दीवानी मामला दायर कर सकते हैं। जी हाँ,
जिसमें आप यात्रा प्रतिबंध की मांग कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि जो पहले यात्रा आपने प्रतिबंध लगाया था उसने उसका मुआवजा भर दिया, उसका जो फाइन था वो भर दिया, तो यात्रा प्रतिबंध हट गया। याद रखें सिर्फ यात्रा प्रतिबंध हटा है, बाकी और कोई जो भी कानूनी प्रक्रिया उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो वहां पे आप मांग कर सकते हैं सक्षम न्यायालय में कि भाई ये बंदा मेरा इतना है, वो लेन देन है वकील के माध्यम से कि ये बंदा इंडिया छोड़ के भाग सकता है, तो इसके ऊपर यात्रा प्रतिबंध लगाया जाए। जी हाँ, तो वो कोर्ट डिसीजन करता है और उसके ऊपर यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी हाँ, ये जो पूरा प्रोसेस होगा लेन देन कानून दुबई का है 1993, जी हाँ, उसका एक्ट 18 के अनुच्छेद 644 के तहत होगा। जी हाँ, उसमें पूरा प्रोसेस के तहत ही उसका मुकदमा चलेगा। यात्रा प्रतिबंध कोर्ट लगा देता है तो वो हटेगा नहीं जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई ये ऊपर आपके ऊपर भी बात लागू होती है। कई बार देखने को सुनने को आता होगा यार उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो इंडिया नहीं आ सकता, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। जी हाँ, चेक से रिलेटेड, खास तौर से लेन देन से रिलेटेड ये बैन लग सकता है। कई बार आप बैंक से लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो वो भी आपके ऊपर यात्रा बैन लगवा सकते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, फिर कभी उसमें हम बात करेंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई चेक का मामला वीआई में कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात है, तो इसको ना होने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, यात्रा प्रतिबंध तो आप इंडिया में भी लगा सकते हैं, लेकिन इंडिया का भाई अलग कानून है, वीआई का अलग कानून होता है, जो ज़्यादा रात और दिन का डिफरेंस है। जी हाँ, तो ये बात आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।